संपर्क से ही सब काम होते हैं। व्यापार को एक्सपांड करना हो तो संपर्कों की जरूरत पड़ती है, कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जितने अच्छे आपके कनेक्शन है उतना बड़ा व्यापार आप बना सकते हो। संपर्क में रहने में बड़े फायदे हैं। अच्छे के संपर्क में यदि आदमी रहता है तो अच्छाइयां अपने आप भीतर में प्रकट हो जाती है, भीतर में प्रवेश कर लेती है, और बुरे के संपर्क में यदि आदमी रहता है तो बुराइयां उसके भीतर में अपने आप आ जाती है। और इसीलिए संपर्क का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया, आज के समय में बताया गया, और आज संसार में समझ लेना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी एक ही चीज में लगा हुआ है, मेरे संपर्क कितने ज्यादा फैलता है। सोशल मीडिया भी यही काम करता है, आपके संपर्कों को बढ़ाता है, व्हाट्सएप भी यही काम करता है, आपके संपर्कों को बढ़ाता है, चाहे कोई भी चीज हो। आज मोबाइल भी आप हाथ में लेकर 24 घंटा इसलिए घूमते हो क्योंकि आपके संपर्क बनते रहे, संपर्क बढ़ते रहे, कोई भी नया आदमी आपको दिखे आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो संपर्क में रहे। संपर्क का बड़ा ही गजब का महत्व बताया। और एक चीज समझ लेना, आज के इंसान को उपवन में जाना, गार्डन में जाना बड़ा अच्छा लगता है। घर में शायद हमें जितना आनंद नहीं आता उतना गार्डन में जाके आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे ही हम गार्डन में प्रवेश करते हैं, अच्छी सुवास के संपर्क में आते हैं, अच्छी खुशबू के संपर्क में आते हैं, और हम आनंदित हो जाते हैं। हमने वहां जाके कुछ नहीं किया, ना आपने गुलाब को छुआ, ना आपके गुलाब को तोड़ा, ना आप गुलाब को हाथ लगाए, ना कुछ किया, बस उसके संपर्क में आ गए, उसके समीप में जाके खड़े रह गए, फिर भी सुवास आपके भीतर प्रवेश कर जाए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, समझ लेना, संपर्क के पास रह करके हम कुछ ना करें लेकिन फिर भी आपके जीवन में अच्छाइयां अपने आप प्रकट होने लग जाएगी, फिर भी आपके जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो जाएगा। जिस तरह से गार्डन में जाकर के आप कुछ नहीं करते फिर भी सुवास आपके भीतर आ जाती है, इसी तरह से अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आकर के आप कुछ नहीं करते फिर भी अच्छाइयां आपके भीतर प्रकट हो जाती है। संपर्क में रहना बड़ा जरूरी। हमारे यहां नीति शास्त्रों में लिखा गया, क्या आपका जन्म चाहे कोई भी कुल में हुआ हो, कैसा भी घर आपको मिला हो, कैसी भी जगह आपको मिली हो, लेकिन संसार में यदि दो चीज से आप दूर रहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती। ताकि समझ लेना, आप कौन से कुल में जन्मे ये मायने नहीं रखता, आप कौन से घर में जन्मे ये मायने नहीं रखता, लेकिन दो चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो, गलत साहित्य और गलत संपर्क, ये दो को आप अवॉइड कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बिगाड़ सकती। हमारे जीवन में जितना भी बिगाड़ है ये दो की वजह से है, या तो गलत साहित्य या तो गलत संपर्क। जब जब भी हम गलत संपर्क में आए तब तब हमारे भीतर एक गलती प्रवेश कर गई। जब जब भी हम गलत साहित्य के संपर्क में आए हमारे भीतर कुछ गलत चीजों ने प्रवेश कर लिया। और इसीलिए हमारे यहां नीतिकारों ने बड़ी गजब की बात लिखी कि समझ लेना, दुनिया में दो चीजों को अवॉइड करना यदि आपको आ गया दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती। आप छोटे से छोटे घर में जन्मे हो, छोटे से छोटे खानदान में जन्मे हो, छोटे से छोटे कुल में जन्मे हो, लेकिन आपके भीतर यदि गलत साहित्य को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है और यदि आपके भीतर गलत संपर्क को दूर रखने की ताकत है दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती। और इसीलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि जीवन में और किसी के संपर्क में रहो ना रहो लेकिन संत और सज्जन के संपर्क में जरूर रहो। ये समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा बोध पाठ है आज के समय के लिए। जिस हिसाब से दुनिया गिर रही है, दुनिया पतन के मार्ग पर जा रही है, अपने अस्तित्व को गंवा रही है, जिस हिसाब से आज का युद्ध गलत रास्ते पर जा रहा है, जिस हिसाब से आज की युवक युवतियां गलत संगत में आकर के गलत कार्यों की श्रृंखला अपने जीवन में खड़ी कर रही है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं समझ लेना, और किसी के संपर्क में न रहो कोई बात नहीं लेकिन जीवन में संत और सज्जन का संपर्क जरूर। बड़े फायदे बताए गए,
का संत का संपर्क भी इतना लाभदायी और सज्जन का संपर्क भी इतना लाभदायी। लेकिन आज के लोगों की फितरत क्या आपको पता है? यहां प्रवचन में कोई सज्जन आया होगा, उसका संपर्क लेने का आपको मन नहीं होता, उससे संपर्क करने का आपको मन नहीं होता। लेकिन यहां प्रवचन में गुरु भगवान के पास कोई एरिया का सबसे बड़ा डॉन आया हो, एरिया का सबसे बड़ा गुंडा आया हो, आपको होता है कि एक बार संपर्क बन जाए तो कहीं पर हमारा काम ना अटके। समझना, अच्छे का संपर्क हम नहीं करना चाहते, हम बुरे के संपर्क में रहना चाहते। हम चाहते हैं हम कहीं अटके नहीं। लेकिन आप समझ लेना, कादव के संकर कीचड़ के संपर्क में यदि आप आओगे तो पैर बिगड़ने ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और गुलाब के संपर्क में यदि आप आओगे तो सुवास मिलनी ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि दुर्जन के संपर्क में रहने की कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर दुर्जनता को लेकर के ही आएगा। और यदि सज्जनों के और संतों के संपर्क में रहने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं आपके भीतर सज्जनता आएगी, आएगी और आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में और किसी का संपर्क रखो न रखो आपकी मर्जी, लेकिन संत और सज्जन के संपर्क में जरूर। बड़ा फायदा है संतों के संपर्क में रहने से। हमारे ऐसे ही नहीं लिखा गया कि एक घड़ी आदि में पुनियान, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, ऐसे ही नहीं लिखा गया, बहुत सोच समझ कर लिखा गया। एक घड़ी आदि में पुनियान, 24 मिनट 12 मिनट 12 में से भी 6, अरे 2 मिनट भी यदि संत का समागम हो जाए, संत का संपर्क हो जाए, वो 2 मिनट भी आपके जीवन को बदल देगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में और किसी का संपर्क हो ना हो, लेकिन संत और सज्जन के संपर्क में जरूर रहना। और हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि संतों के संपर्क में रहने के 3 सबसे बड़े फायदे। जब जब भी आप संतों के संपर्क में आते हो, मैं कहना चाहता हूं आज के माता पिता को, आज के पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को संतों के पास जरूर ले जाना। बड़ा फायदा है संतों के पास ले जाने में। शायद जो बात आप सालों तक बच्चों को न समझा पाओ, संत 1 मिनट में बच्चों को समझा दे। कई उदाहरण ऐसे हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, माता पिता अपने संतान को गुरुदेव के पास लेकर के आते हैं, लेकिन माता पिता जो बात 10 साल से नहीं समझा पाए, गुरुदेव उसको 10 मिनट में समझा दे। हर एक संत के पास, हर एक संत के भीतर ताकत रही हुई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके बेटे बेटियों को संतों से दूर न रखो, साधुओं से दूर न रखो, गुरु भगवंतों से दूर न रखो। जब जब भी समय मिले उसको लेकर जाओ, और खासकर जब वो बड़े हो रहे हो, जब वो टीन एज में हो, जब वो युवक युवतियां बन रहे हो, जब उनके जीवन का विकास हो रहा हो, जब उनके जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तब तो संतों का संपर्क बड़ा ही जरूरी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, संतों के संपर्क के 3 सबसे बड़े फायदे। सबसे पहले नंबर में गुड एनर्जी। जब जब भी आप संत के पास जाते हो तो आपके भीतर एक एनर्जी मिल जाती है। जिस तरह से कोरोना के समय में बूस्टर डोज दिया जाता था, वो बूस्टर डोज ऐसा था जिससे हमें रोग से लड़ने की क्षमता हमारे भीतर डेवलप हो जाती थी। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, संतों के पास जाकर के गुड एनर्जी मिलती है। हमने देखा है गुरुदेव प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब के जीवन को, कई लोग उनके पास इसलिए आते थे, ना गुरुदेव कुछ बात करते थे, ना गुरुदेव से कुछ होती थी बातचीत, लेकिन फिर भी वहां आकर के बैठते थे। एक ही वजह, गुरुदेव यहां आते हैं तो एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी भीतर प्रकट होती है, एक पॉजिटिव ऑरा हमें मिलती है। संसार से त्रस्त, संसार से दुखी, संसार से परेशान व्यक्ति जब गुरु की चरण में आकर के बैठता है तो सबसे पहला फायदा उसको यह मिलता है, गुड एनर्जी। हमारे भीतर एक बूस्टर डोज लग जाता है, हमारे भीतर एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है। हम शायद ऐसा लगता है कि हम चार्ज हो गए। ये गुरु की ताकत है, संतों की ताकत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ लेना, संतों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी। दूसरा फायदा,
नंबर वन गुड एनर्जी, नंबर टू गुड एटमोस्फियर, माहौल बड़ा अच्छा मिलता है। जब जब भी संत के पास जाते हैं, जब जब भी संत के चरण में जाकर के बैठते हैं, माहौल बड़ा अच्छा मिलता है। आपने शायद अनुभव किया हो कि घर में एक नेगेटिव माहौल जब बन जाता है, लेकिन ऐसे कोई संत के पास, ऐसे कोई गुरु के पास जहां कोई रास्ता ना दिखता हो, वहां आकर के जब हम बैठते हैं तो हमारा मन का माहौल थोड़ा सुधर जाता है, थोड़ा बदल जाता है। त्रस्त आदमी थोड़ा शांत हो जाता है, परेशान आदमी थोड़ा शांत हो जाता है, दुखी आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, सबसे पहले नंबर वे संत के संपर्क से सबसे नंबर वन गुड एनर्जी, एक एनर्जी हमें मिलती है। दूसरे नंबर में गुड एटमोस्फियर, एक माहौल अच्छा मिलता है। और तीसरे नंबर में गुड एडवाइस। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, संसार में शायद आपका परम मित्र हो, वो आपको गलत सलाह दे, ऐसा हो सकता है। संसार में आपके आस पड़ोस में रहने वाले आपके निकटवर्ती लोग आपको गलत सजेशन दे, ऐसा हो सकता है। आपके उपकारी, आपके सगे स्नेही संबंधी आपके लिए गलत डिसीजन दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक संत कभी गलत सलाह नहीं देगा जीवन। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि संपर्क में रहो। आज शायद समय ऐसा है जहां संतों को जानबूझकर बदनाम किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है कि संतों से दूर रहो, संतों के पास जाना नहीं चाहिए, साधुओं के पास जाके कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, समझ लेना, संतों के संपर्क में रहने से तीन सबसे बड़े फायदे हैं। नंबर वन गुड एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है। नंबर टू गुड एटमोस्फियर, और नंबर थ्री गुड एडवाइस। संत के पास जब भी जाओगे आपको कभी गलत सलाह नहीं मिलेगी, हमेशा वो गुड एडवाइस देंगे, आपके भले के लिए देंगे, आपके अच्छे के लिए देंगे। और इसलिए मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि जीवन में और कुछ करो न करो, लेकिन संत और सज्जन के संपर्क में रहना बड़ा जरूरी है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।